हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिंकी श्रीवास्तव फ्रॉम मौनकला। तो देखिए, मैंने आप लोगों के लिए साड़ी पहन ली और देख के बताइए कि कैसा लग रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये साड़ी अच्छी लगी हो तो। इसकी लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो फेस्टिवल ओकेजन के लिए देखिए, ये बेस्ट है। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मेरे पास अमेज़ॉन से क्या आया है। आज मैंने एक सेल्फी स्टिक खरीदी है जिससे मैं आप लोगों का ये वीडियो बना रही हूँ। और दूसरा, मेरी मम्मी ने मुझे ये देखिए ये साड़ी भेजी है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी अपने इस वीडियो में कि वो तरीके की साड़ी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए, सेल्फी स्टिक से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको कुछ अलग वीडियो देखने को मिलेगा। मैं यहाँ सेल्फी स्टिक पहली बार यूज़ कर रही हूँ। अपने इस वीडियो में आज मैं ये भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से, अभी हम लोगों ने अपने सपने घरों में अपने किस तरीके से झंडा तो फहरा दिया, लेकिन उसके बाद इस झंडे को ऐसे ही नहीं रखना है। किस तरीके से हमें फोल्ड करना है वो टेक्निक भी मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने तिरंगे को इस तरीके से, अगर आप अकेले हैं तो आप इस तरीके से फैला लीजिए। उसके बाद इसका ग्रीन पोर्शन इस तरीके से फोल्ड करिए, फिर केसरिया पोर्शन ऐसे फोल्ड करिए, बिल्कुल जैसे मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से फोल्ड करना है। हमें यहाँ पर अपने व्हील को सेंटर में लेना है। तो जहाँ तक हमारा इसका व्हील है, चक्र बना हुआ है, बस उतने को एरिया को लेना है, बाकी को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। मकसद ये है कि हमारा जो व्हील है वो पूरा प्रॉपर इस तरीके से दिखाई दे और ऊपर केसरिया और हरा रंग भी दिखाई दे। अब इसको आप आराम से एक पॉलीथीन में बंद करके रख दीजिए और जब भी आपको दोबारा अपने फ्लैग को यूज़ करना है तब आप सम्मान के संग निकालिए और इसको दोबारा से फहरा दीजिए। मोदी जी का घर घर तिरंगा अभियान इस बार बहुत सफल रहा। हम सब ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हर एक ने अपने घर पे, ऑफिस में, दुकान में, कार्यालय में, सब जगह तिरंगे को पूरे सम्मान के संग फहराया है और अपना आज़ादी का 75वां दिवस मनाया। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि देखिए, मैंने अपना टेबल क्लॉथ किस तरीके से बनाया। इस टेबल क्लॉथ को बनाने के लिए मैंने सिंपल कॉटन का एक बेडशीट लिया था। इस बेडशीट पे मैंने फैब्रिक कलर किए हैं। यहाँ पर आप फैब्रिक्रिल के फैब्रिक कलर कर सकते हैं या कैमल के फैब्रिक कलर कर सकते हैं। इसके अलावा फैबर कैस्टल के भी आते हैं। यहाँ मैंने कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं बनाई है, बिल्कुल सिंपल एंड शोबर सी डिज़ाइन ड्रॉ करिए। ऐसे ही रैंडमली पेंसिल से ड्रॉ कर दी थी और उसके बाद अपने कलर को बिना पानी मिलाए हुए इस तरीके से कलर करना है। अगर आप सॉफ्ट फैब्रिक कलर यूज़ करते हैं तो आपको उसमें पानी नहीं मिलाना पड़ता, लेकिन अगर आप एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ ड्रॉप्स पानी की मिलाकर उसको कलर करना होता है। वैसे तो मैंने खोल लिया है, मैं सेल्फी स्टिक से ही वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आपको फिर भी दिखा दूँ सेल्फी स्टिक मैंने कौन सी मंगाई है। ये देखिए, ये है सेल्फी स्टिक बीकूल की, सेल्फी S1 सेल्फी स्टिक ट्राईपॉड करके लिखा हुआ है इसमें। ये 60 सेंटीमीटर की है, फोल्डेबल है, पूरी फोल्ड होकर लंबी हो जाती है। आपको अभी मैं दिखा दूँगी, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मम्मी ने साड़ी भेजी है रक्षाबंधन की वो कैसी है। लेकिन आप साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। अगर आप लोग भी इस तरीके की साड़ी गिफ्ट करने के लिए किसी के लिए मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं। ये देखिए, मैं इसे अगर खोल के दिखाऊं तो पूरी साड़ी जो है वो रेड कलर की है। ये ग्रीन, इसमें ये ब्लाउज पीस दिया है और ग्रीन ही इसका पल्लू है। अभी मैं आपको इसे प्रॉपर पहन के दिखा दूंगी।
ये थोड़ा सा फैब्रिक ऐसा है जो फूला फूला रहता है। ये इसमें ब्लाउज पीस दिया हुआ है ग्रीन कलर का। नीचे से साड़ी इतने चौड़े बॉर्डर वाली है, ये देखिए। तो मेरा तो रक्षाबंधन का गिफ्ट आ गया मम्मी की तरफ से। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अपने रक्षाबंधन पे क्या गिफ्ट मिला ये भी ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। एकदम ब्राइट रेड कलर की साड़ी है विद ग्रीन बॉर्डर। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने साड़ी पहन ली है। मैं खुद को रोक नहीं पाई साड़ी को पहनने से। बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी लगेगी ये साड़ी। जब मैं इसे देख रही थी तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा ब्राइट है, पता नहीं मेरे ऊपर अच्छी लगेगी कि नहीं, और इतना फूला फूला कपड़ा है शायद मैं मोटी लगूंगी। लेकिन जब मैंने इस साड़ी को पहना, कैरी किया, जबकि अभी तो मैंने इसका ब्लाउज भी नहीं सिलवाया, फॉल भी नहीं लगाया, पिको भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए और मेरा मन कराया पहन के दिखाने के लिए आप लोगों को, तो फिर मैंने इसे कैरी किया। और वाकई में मुझे बहुत प्यारी लग रही है साड़ी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये साड़ी। इतनी फूली नहीं लग रही है, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वॉश के बाद ये कपड़ा बहुत अच्छा और सॉफ्ट हो जाएगा, तो कैरी करने में बहुत ही आसानी रहेगी इस कपड़े को। अभी थोड़ा थोड़ा सा ज़रा सा फूला दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से प्लीट्स आई हैं इसकी। बहुत ही प्यारा फ्लो आ रहा है साड़ी का, आप देख सकते हैं। बैक से भी कितना अच्छा लग रहा है, और इसका जो नीचे चौड़ा बॉर्डर है उसका गेटअप भी बहुत अच्छा आ रहा है। साड़ी की ब्यूटी उसी से आ रही है इसमें, और मैं तो बहुत खुश हूँ साड़ी को पहन के। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही होगी। ये देखिए कैसे इतरा रही हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।